सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। मैं प्रद्योत, आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आपके लिए आज फिर से लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, चाहे आप किसी भी स्तर के विद्यार्थी हैं, आप TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं UP से, या आप UGC, NET, JRF की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप RPSC की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार एवं अन्य हिंदी भाषी प्रदेश, जहां से किसी भी हिंदी साहित्य की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं पढ़ें वही जो काम आए, टॉप वन लाइनर, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य से संबंधित हम महत्वपूर्ण वन लाइनर लेकर आ रहे हैं अभी पिछली कई क्लास से, जो आपको काफ़ी पसंद आए हैं और ये आपके लिए बेहद खास प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आ रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। चलिए तो बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। सीधे चलेंगे प्रश्न की ओर। बहुत सारे प्रश्न बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कुछ नए कुछ पुराने। यहाँ से है, ये देखो पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? हाँ, पूरा दिख रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पूरा दिख रहा है। पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न। जैसे प्रेमचंद के हाथों में उपन्यास एक परिपक्व कला रूप बनता है, वैसे ही प्रसाद के हाथों में नाटक। कितना सुंदर कथन है। जैसे प्रेमचंद के हाथों में उपन्यास एक परिपक्व कला रूप बनता है, वैसे ही प्रसाद के हाथों में नाटक। अर्थात जिस प्रकार से प्रेमचंद के हाथों में उपन्यास की उन्नति हुई, एक अच्छा सा काव्य रूप बन गया उपन्यास, वैसे ही प्रसाद जी के हाथों से नाटक अपनी उन्नति को प्राप्त हुआ, तो ये कथन किसका है? बहुत शानदार कथन है, बहुत अच्छा कथन है। बताइए, आपके लिए भी ये प्रश्न है और आप सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करिए और सभी साथी कमेंट किया करिए। सभी साथियों को कमेंट करना है, ठीक है। बांके बिहारी आप सबको कृपा करें, शुभ आशीष। राधा रानी कृपा करें, माँ सरस्वती कृपा करें, आप सबको सफलता मिले, विजयी भव, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? जैसे प्रेमचंद के हाथों में उपन्यास एक परिपक्व कला रूप बनता है, वैसे ही प्रसाद के हाथों में नाटक। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा कथन है, तो ये कथन किसका है बताइए? इस कथन के कथनकार कौन हैं? इस कथन के कथनकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है और कौन से ग्रंथ में है ये आपको ग्रंथ हमने बताया है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस ग्रंथ में वो लिखते हैं कि जैसे प्रेमचंद के हाथों में उपन्यास एक परिपक्व कला रूप बनता है, वैसे ही प्रसाद के हाथों में नाटक। बहुत शानदार प्रश्न, देखो शानदार कथन है, कथन बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं आजकल परीक्षाओं में और यही आगे पीछे कर रहे हैं विद्यार्थियों को, ठीक है। कथन जिनके सही हैं वो आगे निकल जाता है, कथन जिनके गलत हैं वो पीछे रह जाता है, तो कथनों को आप विशेष रूप से ध्यान दें। यदि आप संभव है तो इन कथनों को अपनी डायरी पर, अपने नोटबुक पर लिख लिया करें और उसे दो चार बार रिवाइज किया करें। यदि संभव नहीं है, आप लिखने इतना समय नहीं है आपके पास, तो फिर वीडियो को एक दो तीन चार बार देख लिया करो, जिससे कि ये कथन आपके रिवाइज होते रहें,
ठीक है, किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। ठीक है, किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। तो ये बहुत प्रचलित कथन है, आप जानते होंगे। पहला प्रश्न तो ये, किसके संबंध में किसने कहा? तो उनके का आशय, किन के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं होते? तो ये बहुत विवाद का विषय रहा है, बहुत चर्चा का विषय रहा है हिंदी साहित्य में, कि जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हैं, तो उनके के स्थान पर क्या आ जाएगा? किसके? अर्थात जयशंकर प्रसाद के। क्या आ जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया जयशंकर प्रसाद। किंतु जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह है, यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि ये कथन कहा किसने है, किसके प्रति कहा है? जयशंकर प्रसाद के प्रति। अब ये प्रश्न बचा, इस प्रश्न का उत्तर हमें ये मिल गया। अब दूसरा प्रश्न बचा, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर किसने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ, आपके लिए भी थोड़ा समय है, आप भी उत्तर दे सकते हो, आप अपनी पसंद से उत्तर दे सकते हो, अपने अनुसार उत्तर दे सकते हो। बताइए ये कथन किसका है, बताओ। ये कथन है बाबू श्याम सुंदर दास का। किनका है? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, और कौन से ग्रंथ में? रूपक रहस्य। कौन से ग्रंथ में है ये? रूपक रहस्य। ठीक है, रूपक रहस्य ग्रंथ में बाबू श्याम सुंदर दास ने ये कहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। चलो, ये हो गया, तीसरा देखते हैं। यह दूसरा हो गया तो अब तीसरा भी देख लो। ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है, इस कथन के कथनकार कौन हैं? ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। कौन से नाटक? तो अभी बात हुई थी अभिनय के योग्य नाटकों की, बात आए तो आप जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। ठीक है, और कौन से ग्रंथ में? प्रसाद का साहित्य, इस संकलन में कहा है इन्होंने, प्रसाद का साहित्य। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए है, मैं ये संकलन किया है प्रसाद का साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसमें ये कहा है बाबू श्याम सुंदर दास ने रूपक रहस्य में कहा है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण, साथ के साथ चलते चलो, जानते चलो। अगला है, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। बताओ, बहुत कुछ योग है, बहुत महत्वपूर्ण कथन, इस कथन के कथनकार बताओ, बोलो भाई बोलो, इस कथन के कथनकार कौन है? बहुत शानदार शानदार कथन है, बहुत अच्छे अच्छे कथन हैं। यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। ठीक है, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो, पूर्वाग्रह का मतलब होता है
पहले से बनी हुई धारणा, पहले से बनी हुई धारणा ये पूर्वाग्रह होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए, एक साहित्य के विद्यार्थी को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। कैसे? जैसे आप समाज में हैं तो क्या है, कितने तरह के पूर्वाग्रह हो सकते हैं, इतने तरह के पूर्वाग्रह हो सकते हैं कि जैसे गांव और शहर, यदि आप शहर से हो तो सोचो अरे मैं शहर का हूँ, मैं महानगर का हूँ, गांव वाले क्या जाने, गांव के तो गंवार होते हैं। तो गांवों के प्रति बनी हुई ये धारणा पूर्वाग्रह की है। ठीक है, ऐसे ही धर्म के प्रति, आप किसी भी धर्म के हैं, आप हिंदू हैं तो सामने वाले को कहो कि मुस्लिम बहुत खराब होते हैं, मुस्लिम बहुत गलत होते हैं। सारे मुस्लिम गलत नहीं होते, तो ये एक पूर्वाग्रह है, हर व्यक्ति गलत नहीं होता। ठीक है, हर व्यक्ति गलत नहीं होता। अब इसी प्रकार से आप किसी शहर के प्रति कि इस शहर के लोग गलत होते हैं, अच्छे नहीं होते, किसी जाति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हो कि इस जाति के व्यक्ति अच्छे नहीं होते, अच्छे आचरण वाले नहीं होते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, महिलाओं के प्रति भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे एक सीटेट में प्रश्न आता है, हर बार आता है लिंग विभेद पर, कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, इस तरह का प्रश्न आता है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। बिल्कुल नहीं, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित बात है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। लड़कियां गणित पढ़ेंगी तो लड़कियां भी गणित में बहुत योग्य होंगी, होशियार होंगी। ठीक है, तो किसी भी धर्म के प्रति, लिंग के प्रति, स्थान के प्रति, जात के प्रति, ठीक है, या व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। सामने वाले को जब परखो तब उसके बाद जांच परख के बाद निर्णय लो कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह को छोड़ दिया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योगदान है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। किनका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, अब हमने आपको तीन पीढ़ियों के कथन दे दिए। कितनी पीढ़ियों के कथन दे दिए? तीन। बाबू श्याम सुंदर दास पहली पीढ़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरी पीढ़ी, बच्चन सिंह तीसरी पीढ़ी। ठीक है, और इन्होंने कौन से ग्रंथ में ये बात कही है? तो इन्होंने अपना हिंदी नाटक ग्रंथ में ये बात कही है। ठीक है, हिंदी नाटक ग्रंथ में। ठीक, एक एक तथ्य हम आपको और दे रहे हैं। बच्चन सिंह ने ये कथन कहा है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में और हिंदी नाटक नामक ग्रंथ में कहा है। बच्चन सिंह का ही ये ग्रंथ है हिंदी नाटक। चलो अगला, प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। प्रसाद के नाटकों के संबंध में ये कथन है सब। देखो ऊपर के तीन कथन ये कहते हैं कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हैं। सामान्यतः यही बात सुनी जाती है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हैं। अब ये बात उनके विपरीत में है, ये कथन कह रहा है कि प्रसाद के नाटक भी रंगमंच के योग्य हो सकते हैं। कैसे? कि प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर, जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाकर, उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। सफलतापूर्वक नहीं, अत्यंत सफलतापूर्वक। क्या कह रहे हैं यहाँ से देखो, अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए, और उनका प्रदर्शन भी अवश्य होना चाहिए। ठीक है, प्रसाद के नाटकों के संबंध में जो बनी हुई धारणाएं हैं, अभी हम पूर्वाग्रह पर बात कर रहे थे, यदि ये पूर्वाग्रह त्याग दें कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हैं, तो
इन नाटकों को भी क्या किया जा सकता है, इन नाटकों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है अभिनय के द्वारा रंगमंच पर। तो यह कथन किनका है? बहुत शानदार कथन है, बताओ यह कथन किनका है? तो यह कथन है शांता गांधी का। शांता गांधी, ठीक है, शांता गांधी का, शांता गांधी का ये कथन है, ध्यान रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। और ये कौन है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्राध्यापिका, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्राध्यापक, ठीक है, प्राध्यापक और रंगकर्मी, ठीक है, और कौन थी ये? रंगकर्मी, ठीक है। और काहे में इन्होंने कही है? तो नटरंग पत्रिका में, ये बात कहाँ कही गई है इनके द्वारा? नटरंग पत्रिका में, ठीक है, नट रंग। और नटरंग पत्रिका कैसी थी? त्रैमासिक, ठीक है, रंग नटरंग पत्रिका कैसी थी? त्रैमासिक, ठीक, नटरंग त्रैमासिक पत्रिका है। इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। शांता गांधी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्राध्यापक और रंगकर्मी, ठीक है। और इन्होंने नटरंग पत्रिका, ये हमने बताई है आपको, नटरंग कैसे संबंधित है? तो ये नाटक से संबंधित है, ठीक है। चलो, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं? चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं, ठीक है? तो ये दृश्य हैं 9। कितने दृश्य हैं? 9। अब देखो अंक कितने हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे, दृश्य कितने हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे, अंक और दृश्य पर चर्चा करेंगे। अंक पहला, यहाँ पर हम एक लिखे दे रहे हैं, चाहो तो अंक, ठीक है, एक, चाहो तो फर्स्ट रोमन अंक में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें दृश्य कितने हैं? इसमें हैं 11। कितने हैं? 11। दूसरा अंक 2, दूसरा अंक 2, इसमें कितने हैं? 10। तीसरा अंक 3, इसमें कितने हैं? 9। चौथा अंक 4, इसमें कितने हैं? 14, ठीक है, ये लो, ये लो। अब इन्हें जोड़ लो, अब इन्हें जोड़ लो, ठीक है, कुल अंक 4 और कुल दृश्य 9 और 1 10 और 4 14 की 4, हासिल 1 3 और 1 4, 44, ठीक है। और ये कितने हो गए अंक कुल? तो ये तो 4 ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कुल अंक इस नाटक में, तो कुल अंक कितने हैं? 4, ठीक, पूछा गया है ये बीपीएससी में। कुल दृश्य कितने हैं? कुल दृश्य अभी पिछली बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है, कितने हैं? 44, ठीक है, कुल दृश्य कितने हैं? 44, ये आपको याद रखना है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, 4 अंक हैं तो ये तो आप याद रखेंगे ही, 4 अंक हैं, 1 2 3 4, शुरुआत करो 11 से, 11 फिर एक घटाओ 10 फिर एक घटाओ 9, 11 10 9, 3 याद हो जाएंगे ये, 11 10 9, ये हो गए, ठीक, दृश्य।
पहले में 11 फिर 10 फिर 9, क्रम से एक एक घटाए और फिर बाद वाले में 14 है। 11, 10, 9 बाद में 14 है, कुल मिलाकर 44। 11 और 10 और 9 ये मिला के हो जाएंगे 30। 1 और 9 10, 10 दिया 30, ठीक है। तो ये बहुत सरल, याद करना भी बहुत सरल है, ठीक है। 11 से शुरुआत करोगे, 11, 10, 9 क्रमशः, फिर उसके बाद 14 है। मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा। चलो, चंद्रगुप्त नाटक में स्त्री पात्र कितने हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक में स्त्री पात्र पूछे हैं यहाँ पर, पुरुष पात्र कितने हैं? चंद्रगुप्त नाटक में पुरुष पात्र हैं 21, ठीक है। और स्त्री पात्र कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। कुल पात्र कितने हो गए चंद्रगुप्त नाटक में? कुल पात्र हो गए 30, ठीक है। कुल पात्र चंद्रगुप्त नाटक में कुल पात्र पूछे जाएंगे तो कितने हैं? 30, ठीक। कुल दृश्य 44, कुल अंक 4, कुल पात्र 30। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंटेंट जो आजकल पेपर्स में पूछा जा रहा है। जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसे प्रश्न हैं ये, जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल वैसे प्रश्न हैं ये। बताओ, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक माना जाता है, ठीक है। कितने अंक हैं? तो इसमें अंक हैं 3। कितने अंक हैं? 3 अंक, ठीक। और कुल पात्र पूछे जाएंगे, कुल पात्र तो कितने हैं बताइए? कुल पात्र कितने हैं इसमें? 8। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल पात्र 8 हैं, कुल अंक 3 हैं, ठीक है। चलो, अब और एक और शानदार प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी प्रेमिका ने आत्महत्या की? बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी प्रेमिका ने आत्महत्या की? अब ये आत्महत्या कौन सी प्रेमिका ने की है ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक से है। चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी प्रेमिका ने आत्महत्या की? अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेमिका इनकी कौन कौन थी। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रेमिका इनकी कौन कौन सी थी। देखो, प्रेमिका कल्याणी, इनसे प्रेम करती थी, ठीक है। मालविका, ये भी चंद्रगुप्त की प्रेमिका थी, ठीक। और तीसरी एक प्रेमिका थी कार्नेलिया, कौन थी? कार्नेलिया, ठीक। तीन प्रेमिकाएं यहाँ पर हम बात करेंगे, इन तीनों पर, ठीक है। इन तीनों पर बात इसलिए करेंगे क्यों? क्योंकि प्रश्न के लिए, प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी प्रेमिका ने आत्महत्या की? तो कल्याणी ने आत्महत्या की, कल्याणी ने आत्महत्या की, ठीक है, आत्महत्या की, ठीक। मालविका ने भी आत्महत्या की, ठीक। कार्नेलिया ने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुई, प्रयास किया, ठीक है।
ये लो। ठीक, कार्नेलिया ने आत्महत्या का प्रयास किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त की प्रेमिकाएं कल्याणी और मालविका की आत्महत्या हुई है और कार्नेलिया यत्न करके बच जाती है। ठीक है, इनकी आत्महत्या हुई है और ये यत्न करके कार्नेलिया बच जाती है। बहुत शानदार प्रश्न। चलो अब अगला, मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं, यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसने कहा? कितना शानदार कथन है, बताओ कितना शानदार कथन है। बहुत शानदार कथन है, बहुत शानदार कथन है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, मतलब ये कह रही हैं कि मैं ये देख रही हूँ कि यह जो युद्ध हुआ यह ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही युद्ध नहीं है, इसमें केवल अस्त्रों का ही प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें दो बुद्धियाँ, दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं, दो गुरुओं की बुद्धियाँ लड़ रही हैं। क्यों? चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु। ठीक है, सुकरात के प्लेटो, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। ठीक है, तो दो गुरुओं की भी बुद्धि लड़ रही है इसमें, ये बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बात किसने कही है इस नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसने कहा? चलो बताओ, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसने कहा है? मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीय, तो ये कार्नेलिया का कथन है। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? कार्नेलिया। ठीक है, बहुत अच्छा कथन, बहुत महत्वपूर्ण कथन। किनका कथन है? ये कार्नेलिया का। ठीक, अगला है नाट्यवृत्तियों की संख्या, बताओ नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, तो नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? चार। नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? चार। अब यदि पूछा जाए चार नाट्यवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो भारती। ठीक है, माँ भारती से याद रखेंगे, माँ सरस्वती से याद रखेंगे, फिर सात्वती नंबर दो। ठीक है, सात्वती। ठीक, भारती के बाद सात्वती, सात्वती के बाद तीसरे नंबर पर किसे हम याद रखेंगे? कैशिकी। और कैशिकी के बाद आरभटी। आरभटी। ठीक है, नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? चार। अब गुड़ इसमें रस पूछा जाए तो भारती में करुण और अद्भुत होता है, इसमें रस कौन सा होता है? करुण रस और अद्भुत रस। इसके बाद सात्वती में कौन होता है? वीर अद्भुत और रौद्र, इसमें मुख्यतः वीर अद्भुत और रौद्र रस होता है। ठीक है, कैशिकी में श्रृंगार और हास्य होता है, इसमें कौन सा रस होता है मुख्यतः? प्रधानतः कैशिकी में श्रृंगार और हास्य होता है, और इसमें बीभत्स भयानक और रौद्र रस होता है, बीभत्स भयानक और रौद्र रस होता है। नाट्यवृत्तियों के साथ यदि रस को पूछा जाए तो बता देना। चलो अब आगे चलते हैं, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की रचना कौन सी है? तो जयदेव का प्रभाव कौन सी रचना पर है? विद्यापति की वो रचना आपको बतानी है जिस पर जयदेव का प्रभाव है। बताओ जयदेव के प्रभाव वाली विद्यापति की रचना कौन सी है? बताओ भाई बताओ, जयदेव के प्रभाव से
प्रभावित विद्यापति की रचना कौन सी है? बताइए। तो देखो, जयदेव का प्रभाव था काय पर? पदावली पर, पदावली पर, ठीक है। और राधा कृष्ण को इसमें नायक नायिका बनाया गया था, जो जयदेव से ही लिया था विद्यापति ने हिंदी में, ठीक है। मैथिली की रचना है ये पदावली, तो इस पर जयदेव का प्रभाव। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच के प्रकार कितने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, नाट्य मंच के प्रकार पूछे जा रहे हैं। नाट्य मंच कितने प्रकार का होता है आचार्य भरत मुनि के अनुसार? बताइए, 2, 3, 4, 5। नाट्य मंच कितने प्रकार का होता है अब बता दो। अब तो ऑप्शन हो गए भाई, सरल हो गया। तो इसमें बी विकल्प सही है, 3 प्रकार का। आचार्य भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंचों की चर्चा की है। चलो अगला, भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में है? भ्रमर गीत की कथा का वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में है, ठीक है। 10वें स्कंद। अगला है, ये देखो फिर से एक कथन आया है शानदार। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। वाह भाई वाह, क्या शानदार कथन है। अपनी कहानी का आरंभ उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। लखनऊ में जैसे घोड़ा ठक 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 कुदाते हुए एकदम प्रवेश करते हैं लखनऊ के भाड़ महफिल में, ठीक है, वैसे ही उन्होंने अपनी कहानी को शुरू किया है। ये कथन किन के बारे में है और किस कहानी के बारे में है? शुक्ल जी का कथन है। कथन किसका है? शुक्ल जी का। और किसके संबंध में है ये बताना है आपको, बताओ बताओ। बहुत बढ़िया। अपनी कहानी का आरंभ उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ में भाड़ लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। इंशा अल्लाह खां, इंशा अल्लाह खां के संबंध में ये कथन है, ठीक है। किसके संबंध में कहा है? इंशा अल्लाह खां के संबंध में। और इनकी कहानी रानी केतकी के कहानी, लोग के संदर्भ में, ठीक। अगला, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? बताओ, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? देश की चर्चा की जा रही है यहाँ पर, कौन से देश में हुआ है प्रतीकवादी आंदोलन का उदय? तो फ्रांस में। कौन से देश में प्रतीकवादी आंदोलन का उदय हुआ है? तो फ्रांस में, ठीक है, याद रखेंगे, फ्रांस में प्रतीकवादी आंदोलन का उदय हुआ है। शंकरदेव अवतरे किस भाषा के प्रयोक्ता हैं? शंकरदेव अवतरे ने कौन सी भाषा प्रयोग में लाई? कौन सी भाषा प्रयोग में लाए शंकरदेव अवतरे? बताओ, शंकरदेव अवतरे, शंकरदेव अवतरे कौन सी भाषा के प्रयोक्ता हैं? बताओ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए नया हो, ठीक है। तो शंकरदेव अवतरे ने कौन सी भाषा के ये कवि हैं? ब्रज बोले। कौन सी भाषा? ब्रज बोले, ठीक है। ब्रज भाषा नहीं है ये, ब्रज भाषा से अलग है। पश्चिम बंगाल में हुआ क्या, जब मध्यकाल में ब्रज भाषा अपने चरम पर पहुंची, तो ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश ही नहीं उड़ीसा तक पश्चिम बंगाल तक हो गया, और वहाँ की जो बंगला भाषा थी उस भाषा से मिलकर ब्रज भाषा और बंगला भाषा दोनों विकृत होकर एक नई भाषा बनी। वो भाषा क्या बनी? ब्रज बोले, ठीक है। तो ब्रज बोले ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ठीक है। ब्रज बोले कहाँ की, कैसे बनी, कहाँ की है, तो ये ब्रज भाषा, ब्रज बोले मथुरा की नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रज भाषा से ये भिन्न है, ब्रज भाषा मत कर देना इसके स्थान पर कि ये ब्रज भाषा कर दो,
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है, गणपत चंद्र गुप्त। याद कैसे लिखेंगे? देखो, याद कैसे रखेंगे, याद बस हमें इतना रखना है कि ये वैज्ञानिक शब्द पकड़ना है, गणपत शब्द पकड़ना है। गणपत भगवान गणेश जी की सोच बहुत वैज्ञानिक थी, ठीक है। सभी देवताओं ने ये कहा कि देखें, ब्रह्मांड का, दुनिया का, धरती का सबसे पहले चक्कर कौन लगा लेगा, सभी दौड़ने लगे। तो गणेश जी ने सोचा कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, माता पिता के ही चक्कर लगा लिए जाएँ, तो माता पिता के चक्कर लगा लिए। ये सोच थी क्रिएटिव, सृजनात्मक सोच, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं, कुछ नया। तो ये नया सोचा, वैज्ञानिक सोचा, इसलिए गणपत चंद्रगुप्त की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और यही एक और याद रखना है, आलोचनात्मक इतिहास आएगा तो राम कुमार वर्मा का कर दोगे। श्याम सगाई के रचयिता कौन है, 19वां प्रश्न है। श्याम सगाई के रचयिता बताने हैं आपको, तो बताओ श्याम सगाई के रचयिता कौन है? तो श्याम सगाई के रचयिता है नंददास। कौन है? नंददास। श्याम सगाई के रचयिता नंददास। सोनेट छंद का प्रयोक्ता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी है। सोनेट छंद हिंदी में त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध है हिंदी में, त्रिलोचन, ठीक। सोनेट छंद का प्रयोक्ता कौन है? त्रिलोचन। सुरम्य रम्ये रस राशि रंजिते, पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुरम्य रम्ये रस राशि रंजिते, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुरम्य रम्ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुरम्य रम्ये रस राशि रंजिते, ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। चलो अगला है अशोक का शोक। अशोक का शोक नाटक के लेखक कौन है? तो अशोक, जहाँ शोक न हो वहाँ शोक हो जाए, और जहाँ शोक हो वहाँ अशोक हो जाए, कौन कर सकता है? राम। कौन कर सकता है? राम। तो ये कर लो राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा। अशोक को शोक, अमाने नहीं, शोक माने शोक, जहाँ शोक न हो उसे अशोक, और जहाँ शोक हो वहाँ शोक। तो शोक, अशोक का शोक लेखक इसके कौन हैं? राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला है पंडिताई भी एक बोझ है। इसका पूरा स्टेटमेंट हमने आपको लिखाया है, यदि आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो आप कमेंट करके बताइए। पंडिताई भी एक बोझ है, पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो पंडिताई भी एक बोझ है, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इस पंक्ति के लेखक। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी जल्दी डुबोती है। एक औरत की जिंदगी कहानी के लेखक, एक औरत की जिंदगी कहानी के लेखक कौन हैं? बताओ एक औरत की जिंदगी, एक औरत की जिंदगी कहानी के लेखक कौन हैं? रामदरस मिश्र। कौन है? रामदरस मिश्र। अर्थ की लय अवधारणा के संस्थापक, बहुत बढ़िया प्रश्न, 25वां, एकदम शानदार प्रश्न से शुरुआत और शानदार प्रश्न पर अंत। अर्थ की लय इस अवधारणा के संस्थापक कौन हैं? बताओ अर्थ की लय इस धारणा के संस्थापक कौन हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा, अर्थ की लय इस अवधारणा के संस्थापक जगदीश गुप्त, ठीक है। अर्थ की लय इस अवधारणा के संस्थापक हैं जगदीश गुप्त।
ठीक है, तो चलो भाई ये हो गया महत्वपूर्ण, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है। कौन से टेलीग्राम चैनल से? तो PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मोबाइल नंबर 9758 43 28 87, ठीक। और आज की ये क्लास, आज की ये शानदार क्लास, हमारे प्रयास में तो ये शानदार क्लास रही, हमने तो प्रयास किया है, बहुत अनूठा, बहुत मेहनत की है, चुन चुन के लेकर आते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, चुन चुन कर मोती लेकर आते हैं, गोता लगा लगा के सागर में से, तो अथा सागर है हिंदी साहित्य का, उसमें से लेकर आते हैं आपके लिए। आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप बताएंगे, कितनी उपयोगी है, कितनी लाभदायक है या नहीं, ये आप निर्णय करेंगे और समय निर्णय करेगा, भविष्य निर्णय करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक हम विश्राम लेते हैं, अब मिलेंगे फिर, तब तक राधे कृष्ण।